गाइस एंड वेलकम बैक टू कार्स टू मर्सिडीज। वीडियो के अंदर मैं होंडा सिटी 1.2 का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये होंडा सिटी 1.2 अभी मैंने कुछ दिन पहले ली है, जो कि मैंने बुक करवाई थी, और तकरीबन 4 महीने के बाद मुझे इसकी डिलीवरी मिली है। बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 1.2 CVT का रिव्यू। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इस गाड़ी का वॉक अराउंड दूंगा और एक फ़र्स्ट लुक दूंगा, और मैं बताऊंगा कि मुझे गाड़ी कैसी लगी, और रिव्यू इसका कुछ अर्से के बाद मेरे चैनल पे ही अपलोड होगा। तो अगर हम सामने से गाड़ी को देखते हैं तो सामने हमारे पास ये हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं, और उनके साथ DRL लाइट्स आती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और नीचे इस गाड़ी में हमारे पास फॉग लाइट्स ऑप्शनल आती हैं, जो कि आप कंपनी को एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हैं 1.2 के अंदर। और सामने से हमारे पास इस गाड़ी में क्रोम की ग्रिल्स आती है, जिसके ऊपर अभी कवरिंग हुई हुई है प्लास्टिक की, जो कि मैं कुछ अर्से बाद उतार दूंगा। और अगर हम साइड पे आते हैं तो आप देख सकते हैं साइड पे हमारे पास कर्व्स आते हैं गाड़ी में, जो कि होंडा सिविक रिवर्स की तरह लगते हैं। और अगर हम टायर्स की तरफ आते हैं तो इस गाड़ी में हमारे पास जनरल के यूरोस्टार के टायर्स आते हैं 175/65R15। 15 इंच का इसका रिम है, और हमारे पास स्टील वाला रिम आता है, और प्लास्टिक के कैप्स आते हैं जो कि व्हील कैप्स होते हैं। और अगर हम डोर मिरर्स की तरफ आते हैं तो डोर मिरर हमारे पास अच्छे खासे मतलब मोटे डोर मिरर हैं, जिनके अंदर ये हमारे पास इंडिकेटर हैं जो कि LED के अंदर हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और जो डोर मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल भी हैं, और ऑटो जो डोर मिरर्स हैं वो एडजस्टेबल भी हैं और ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं डोर मिरर्स। ये हमारे पास गाड़ी की साइड लुक आती है, और इसके अंदर हमारे पास स्मार्ट एंट्रेंस नहीं आती, की से गाड़ी अनलॉक होती है, की इसकी कुछ इस तरह से है। और ये मैं अभी आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। और ये फ्यूल कैप आता है, और पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है, ये आप देख सकते हैं पीछे से। और अभी ये बिल्कुल नई है, तो इसलिए इसके ऊपर ये स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना आता है 1.2 के अंदर। और नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये रिफ्लेक्टर्स आते हैं दो, जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं अगर इनके ऊपर लाइट पड़े तो। और नीचे हमारे पास एक हनीकॉम ग्रिल जैसी एक प्लास्टिक की ग्रिल आती है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। डिफ्यूज़र तो नहीं कहेंगे इसे, खैर बम्पर ही कहेंगे, बम्पर का हिस्सा है। और ये साइड लुक है, और मैं आपको अभी अंदर जाके इस गाड़ी को दिखाता हूँ। 1.2 के अंदर हमारे पास स्मार्ट एंट्रेंस नहीं आती, चाबी से ही गाड़ी खुलती है, और अंदर से इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से लगता है। अंदर बैठने से पहले मैं आपको इसके दो फीचर बता दूं। इसमें यह है कि गाड़ी की जो सीट्स है वो सीट है जो एडजस्टेबल है, एल्सविन की भी एडजस्टेबल नहीं है और यारिस की भी एडजस्टेबल नहीं है, सीट ऊपर नीचे नहीं हो सकती। और इसका दूसरा फीचर यह है कि इसका टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, जो कि ऊपर नीचे और आगे पीछे हर साइड पे होता है, जो कि यारिस और एल्सविन में नहीं है, और यारिस और एल्सविन में आई गेस ये वाला फीचर भी नहीं है। उनमें कुछ और फीचर्स आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं आते, जैसे इस गाड़ी में हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट नहीं आती, तो वो यारिस में आती है और एल्सविन में वो नहीं आते। एल्सविन में कुछ और फीचर्स आते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिसिंग है, ऐसी बात नहीं है कि एल्सविन एक कम्प्लीट गाड़ी है। पहली एक जो अच्छी फील आती है अगर आप इस नई वाली सिटी में बैठें, तो इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू पुरानी सिटी के, और काफ़ी मतलब कि अच्छी लगती है अगर आप पुरानी सिटी से बैठें तो। काफ़ी फ़र्क है पुरानी सिटी और नई सिटी के अंदर। चाबी से गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, पुश स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आता इसमें। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका मीटर है, और मीटर में कोई एनिमेशन नहीं आती, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम पहले स्टीयरिंग की तरफ आते हैं तो इस बार इन्होंने स्टीयरिंग के ऊपर हमें ये कंट्रोल्स दे दी हैं, जो कि वॉल्यूम और ये चैनल आगे पीछे करने का है। और दो एयरबैग्स भी आते हैं हमारे पास, एक पैसेंजर साइड पे और एक इधर स्टीयरिंग के ऊपर आता है, और दरमियान में हमारे पास होंडा का लोगो आता है। अगर हम मीटर देखें तो हमारे पास वो BRV का मीटर आता है, जो कि BRV के अंदर आता है, और यहाँ पर RPM मीटर, दरमियान में स्पीडो, और इस साइड पर हमें रेंज वगैरह सब कुछ गाड़ी बताती है। और अगर हम राइट साइड पे आ जाते हैं इसके फीचर्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमें कपड़े की फिनिश मिलती है, यहाँ पे प्लास्टिक मिलती है जो कि अच्छी है, बुरी नहीं है प्लास्टिक, और यहाँ पे भी हमें प्लास्टिक मिलती है, यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं मिलता। और अगर हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो पावर विंडोज़ मिलती हैं, और पहली जो पावर विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन है, और ये हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स का ऑप्शन आता है, और ये लेफ्ट राइट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए इनको। और यहाँ पे हमारे पास ट्विटर का खाना आता है, लेकिन यहाँ पे ट्विटर नहीं आते, और अगले दो दरवाज़ों में हमारे पास स्पीकर आते हैं, और पिछले दरवाज़ों में हमारे पास स्पीकर नहीं आते इस गाड़ी में। ये इस गाड़ी की स्क्रीन है, जो कि थोड़ी सी छोटी है, और इसमें थोड़े से इशू भी आते हैं, अगर आप इसको USB से कनेक्ट करें तो स्क्रीन हैंग होने का खतरा होता है, इसलिए कहते हैं कि USB से इसको कनेक्ट ना करें। और अगर आपने कनेक्ट करना है तो आप होंडा वालों के पास चले जाएं, वो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करके देंगे, तब ये ऑटोमेटिकली
सही हो जाता है। तो अगर हम इसको रिवर्स पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में हमारे पास रिवर्स कैमरा है जो कि ऑप्शनल आता है, वैसे 1.2 के अंदर नहीं आता लेकिन ऑप्शनल आता है। तो ये दोनों फीचर मिला के फॉग लाइट्स और रिवर्स कैमरा मुझे 13,000 रुपए के पड़े हैं। और ये हमारे पास ग्लव बॉक्स है, इसमें अच्छी खासी हमारे पास जगह आती है। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी सीवीटी, और ये आप देख सकते हैं गाड़ी सीवीटी है तो इसमें हमारे पास ये गियर आता है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट्स, लो, तो ये सब कुछ आता है। और ये हमारे पास हैंड ब्रेक है, दरमियान में सेंटर कंसोल आता है, इसमें अच्छी खासी जगह भी है। और ये हमारे पास आई गेस फ्रंट के सारे फीचर हो गए। इसमें एक दो बातें जो हैं वो मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी हैं, वो ये हैं कि एक तो आप ये देख सकते हैं फॉग लाइट्स का ऑप्शन जहाँ पे, ये तो चलो ठीक है क्योंकि आफ्टर में वो कंपनी लगा के देती है बाद में। दूसरा इसका मसला ये है कि मसला तो नहीं कहेंगे लेकिन ये है कि अब फ्यूल कैप जो है ना इसका, वो यहाँ पे यहाँ से ओपन होता है। पुरानी वाली सिटी का अगर आप क्लिक करते थे तो वो ओपन हो जाता था वहीं से ही, फ्यूल को यहाँ से खोलना नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आती है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि बुरी है, है तो प्लास्टिक लेकिन काफ़ी अच्छी है, सिविक से तो कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन अच्छी है मतलब के। और ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है दरमियान में। और यहाँ पे हमारे पास एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल, एनालॉग एसी और कंट्रोल्स आते हैं। और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक पावर आउटलेट आती है। और डैशबोर्ड के अंदर भी हमारे पास आई गेस एक दो केबल्स आती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सिल्वर फिनिश में या ग्रे फिनिश में यहाँ पे हमारे पास फिनिश आती है। तो टू टोन इसका, टू डुअल टोन इसका इंटीरियर है तो जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे पास सनवाइजर आते हैं ऊपर, और दोनों सनवाइजर के अंदर हमारे पास शीशे आते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर एयरबैग की वार्निंग भी है क्योंकि इसमें दो एयरबैग्स हैं और पहले सिटी में एयरबैग नहीं आते थे। और ऊपर दो हमारे पास लाइट्स मिलती हैं। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे। इस टाइम मैं गाड़ी के पीछे आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है कि सीट मैंने फुल पीछे की हुई है, जितना पीछे हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा जगह है। और वो वाली सीट नॉर्मली सेट हुई है और आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी ज़्यादा जगह है। ये होंडा सिविक हमारे पास है उससे भी ज़्यादा जगह है पीछे, क्योंकि आगे वाली सीट आई गेस इतना ज़्यादा पीछे नहीं होती जितना उनको होना चाहिए था, इसलिए ज़्यादा स्पेस है काफ़ी पीछे वाले बंदों के लिए। यहाँ पे दो पॉकेट्स भी मिलती हैं, यहाँ पे हमें स्टोरेज स्पेस मिलती है क्योंकि 1.5 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एसी होता है लेकिन यहाँ पे हमें एम्प्टी स्पेस दी जाती है। और दो पावर आउटलेट्स हैं 12 वोल्ट की। पीछे स्पीकर्स की जगह दी गई है लेकिन इसमें स्पीकर नहीं है। और ट्विटर तो वैसे भी नहीं आते इस गाड़ी में, चाहे एस्पायर हो या जॉन सी गाड़ी। और पीछे हमारे पास ये पावर विंडोज जैसे आती हैं सिटी में। और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास आर्मरेस्ट आता है जो कि मैं पहली बार खोलने लगा हूँ, और आप देख सकते हैं यो जो कि सही है। यारिस में ये नहीं आता, एल्सन में भी नहीं आता जो कि अच्छी बात है। अब मैं आपको इसकी डिग्गी दिखाता हूँ। इसकी डिग्गी जो है ये आप अंदर से भी खोल सकते हैं, वरना चाबी से भी खुलती है। ये देखें थोड़ा सा जैक पुश भी कर देता है इसको। काफ़ी बड़ी डिग्गी है, मतलब बहुत बड़ी डिग्गी है। मैंने सेडान में, किसी सेडान में इतनी बड़ी डिग्गी नहीं देखी। पिछली सिटी में इतनी बड़ी होती थी और इसमें भी है। पीछे हमारे पास स्टेपनी आती है जो कि वहीं यूरोस्टार की, और वहीं जैक पानी सब कुछ जो भी होता है। ये गत्ता है और ये सही है, जुड़ा हुआ है यार, इसकी तरह लैदा लैदा नहीं है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। ये आप इसका इंजन देख सकते हैं, 1.2 लीटर में गाड़ी आती है। और जो पहले कंप्लेंट्स आती थी कि यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का इशू है, अब आप देख सकते हैं इतना कोई वेल्डिंग वगैरह का इशू नहीं है अब यहाँ पे। और नीचे इस गाड़ी में इंजन की शील्ड भी आती है और ये सब कुछ आप देख सकते हैं बिल्कुल। अभी 0 मीटर गाड़ी है तो इंजन साफ़ सुथरा बिल्कुल है। और यहाँ पे हमारे पास ये ABS के जो मैकेनिक्स होते हैं वहीं भी आते हैं, मैकेनिज्म जो भी है, ये विंड वॉशर फ्लूड के रेडिएटर वगैरह सब कुछ। तो मतलब कि सही है ये गाड़ी। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आऊँगा अपने चैनल के ऊपर और आपसे इसका रिव्यू भी शेयर करूँगा कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। अभी तक जो मैंने इसको ट्राई किया है तो इस गाड़ी की पिक वगैरह नॉर्मल है, अच्छी है। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।